यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। हालांकि इस मामले के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, पूछताछ जरूर की है, लेकिन पहलवानों का यह आंदोलन रंग लाता नजर आ रहा है, ऐसा यहां पर कहना है, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। अब तक पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण करने का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग महिला पहलवान समेत दो महिला पहलवान का ही पुलिस कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवा सकी है। धारा 164 बहुत इम्पोर्टेंट धारा मानी जा रही है इस केस की, क्योंकि इससे पहले शायद 161 या फिर 162 के तहत दर्ज कराया गया था, जिसको बदल के यहाँ पर 164 की मांग की गई, क्योंकि इसमें अलग ही मामला जुड़ जाता है। अन्य 5 महिला पहलवानों के बयान अभी दर्ज नहीं हुए, जिनके बयान अगले हफ्ते दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन कर समय देने का अनुरोध किया है। मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक इस मामले का राजनीतिकरण हो जाने के कारण जांच में पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व विशेष आयुक्त कानून व स्वास्थ्य सागर प्रीत हुड्डा हर दिन इस मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। SIT निरंतर खेल मंत्रालय के भी संपर्क में है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में 7 पीड़ित हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप भी काफी पुराने हैं। पीड़ित ने लगाए गए अलग अलग जगहों पर सांसद यौन शोषण के किए जाने का आरोप लगाए हैं, जिससे जांच कमेटी को सबूत जुटाने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। घटना स्थलों की जांच करने के बाद पुलिस निर्णय लेगी कि सांसद की गिरफ्तारी बनती है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने ये सारी बातें रखी गई। 27 मई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, दोबारा दलीलें रखी जाएंगी, दोबारा यहाँ पर धाराएं लगती नजर आएंगी, लेकिन धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज हो रहे हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या वो धारा गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर लगाई जा रही है या फिर सिर्फ धारा सिर्फ यहाँ पर बयानों दर्ज करने के लिए, तो कोर्ट का फैसला आने तक देखना दिलचस्प रहेगा। 27 मई को मजिस्ट्रेट में दोबारा सुनवाई होगी, देखने का फैसला आता है। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।